बाद पटवारी परीक्षा जिस दिन हुई थी उससे 24 घंटे पहले आयोग को पता चल गया था कि ये परीक्षा लीक है, आयोग को पता चल गया था, लेकिन आयोग ने जानबूझकर ये किसी को नहीं बताया कि ये परीक्षा लीक है। उसने सारे बच्चों को जो है वहाँ बुला दिया अपने अपने सेंटर में ताकि उनके पैसे खर्च हो जाएं, हमारी बेइज्जती ना हो, और उसके बाद जब एसटीएफ को खबर मिली तब जाके आयोग ने, आयोग को जो है पता चला कि ये परीक्षा, तब आयोग ने बताया लोगों को ये परीक्षा लीक है। तो सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयोग को पता होने के बावजूद भी बेरोजगारों को जो है परीक्षा दिलवा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आयोग जो कह रहा है कि फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा होगी वो अप्रैल में होगी, पीसीएस की जो परीक्षा होगी वो जो है फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगी, लेकिन आयोग ने अपने वहाँ पर गलती नहीं लिखी है कि हमें माफ़ कर दीजिएगा हमसे पेपर लीक हो गया। भाई आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, पेपर लीक आपसे हो रहा है और आप जो है सिर्फ पेपर आगे बढ़ा रहे हो, आपको कम से कम अपनी गलती माननी भी पड़ेगी, और वो गलती अगर आप मानोगे तभी जाके जो है आयोग का कुछ हो सकता है, लेकिन आप वो चीज़ भी नहीं करते हो। और रही बात उत्तराखंड पुलिस भर्ती की, तो उत्तराखंड पुलिस भर्ती अगर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लीक था, अगर आप पीसीएस को आगे बढ़ा रहे हो तो भाई पुलिस भर्ती का भी आपको दोबारा से एग्जाम कराना होगा। और इसके हमारे पास जो भी है, जो भी चीज़ें हमारे पास है, सबूत आप मान लीजिए, आप साक्ष्य मान लीजिए, जो भी मांगे हम देंगे, और इस परीक्षा को हम दोबारा कराने का बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। हमें जो है वो बच्चे भी फोन करते हैं जिन बच्चों के अच्छे खासे नंबर है, 170 नंबर है, किसी के 166 नंबर आ रहे हैं, तो वो बच्चे भी कह रहे हैं सर देखिए एग्ज़ाम हो तो फेयर हो। अगर पटवारी का एग्ज़ाम वो जो वहाँ पर बैठ रखा था वो दलाल, अगर उस दलाल ने, दलाल अफसर कहूँगा मैं उसको, उस दलाल अफसर ने अगर जो है पटवारी का एग्ज़ाम लीक कराया था तो क्या पुलिस का छोड़ दिया होगा? मतलब ही नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। क्या उसने उससे पहले के और एग्जाम भी छोड़े होंगे? नहीं छोड़े होंगे ना। तो ये सिर्फ उस निकम में आयोग की बातें हैं और इसका हमें संज्ञान लेना है, और आगे जो भविष्य में लड़ाई होगी उस लड़ाई को लेकर आप सबको आगे आना है। क्योंकि यहाँ पर एक भाई कह रहा था कि अभी जो है पीसीएस का होता है मैटर तो पीसीएस वाले लड़के चले जाते हैं, समूह गौ वाले होते तो समूह गौ वाले, और इसमें सच्चाई भी है, इसमें सच्चाई भी, आप बुरा मत मानिए, लेकिन जब हम पुलिस भर्ती का संघर्ष कर रहे थे तब से पुलिस भर्ती वाले बच्चे आते और बाकी सब अपने घर में सोए रहते थे कि चलो यार इनको लड़ने दिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको निष्पक्षता से पेपर कराने चाहिए, पेपर कराने होंगे, तो आपको जो है निष्पक्षता के साथ मैदान में भी आना होगा, और इस मैदान में जब तक आप लोगों की ज़्यादा संख्या नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। और इस लड़ाई को अगर लड़ना है तो हम सबको एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा, एकजुटता के साथ आगे हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा, वरना पेपर देते रहो और फिर बाद में पेपर ये रद्द करते रहेंगे और आप लोग सिर्फ जो है यहाँ पर सिर्फ एग्जाम खड़े होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात देखो अभी राजस्थान में क्या हुआ था, राजस्थान में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे थे जिन्होंने नकल की थी उनके नाम जो अखबार में आ गए, बिल्कुल सार्वजनिक ऐसे में जो है हमको पता चल जाता है कि यार इस बंदे ने नकल की हुआ, लेकिन अखबार में तो देने ही है, इसके साथ साथ वेबसाइट में जो आयोग की वेबसाइट होगी वहाँ पर इसका नाम, क्योंकि अगर मान लीजिए भविष्य में रिजल्ट आता तो हम चेक कर पाएंगे। आप सबको एकजुटता के साथ रहना है और जब ये लड़ाई लड़ेंगे इससे बड़ी लड़ाई होने वाली है, आप सबको साथ रहना है। तो फिलहाल मेरे साथ बोलो दोस्तों, बेरोजगार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, बेरोजगार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।